हेलो सहेलियों, आज का वीडियो आप सभी महिलाओं के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है क्योंकि आज हम बात करेंगे वजाइनल हेल्थ के बारे में, वजाइनल टाउचिंग के बारे में, एप्पल साइडर विनेगर के बारे में और वजाइना को किस तरह हमेशा इन्फेक्शन से बचा के रखा जा सकता है इसके बारे में। तो फ्रेंड्स, बहुत सारे फैक्ट्स हम आज के वीडियो में जानने वाले हैं, बहुत सारे केयर के तरीके हम जानने वाले हैं और हम ये भी जानेंगे कि किन किन कारणों से हमारे निचले अंगों का इन्फेक्शन हमें बार बार होता है। फ्रेंड्स, महिला का जो शरीर होता है उसका निचला हिस्सा कुछ इस तरीके से ओपन होता है और ये एंट्री पॉइंट है रिप्रोडक्टिव ऑर्गन का। तो ये जो वजाइना का हिस्सा होता है, यहाँ बच्चेदानी का मुंह है, इसके बाद में इधर ये जो बाहरी हिस्सा है इसको वजाइना कहा जाता है। वजाइना का सामान्य पीएच माँ बनने की जो उम्र होती है, बीच की जो मिड एज होती है माँ बनने की, उस दौरान 3.8 से लेके 4.5 के बीच में रहता है। लेकिन किसी कारणवश हमारे खान पान की वजह से या कुछ हमने ऐसी केमिकल या कुछ प्रोडक्ट्स यूज़ किए हैं या बार बार हम पानी के जेट से वॉश करते हैं अंदर तक, ठीक है, हमारे तौर तरीके की गलतियों से वजाइना का जो पीएच है डिस्टर्ब हो जाता है, तो ऐसी कंडीशन में हमें तुरंत ही इन्फेक्शन होता है। और उस इन्फेक्शन का सबसे पहला लक्षण है कि हमें खुजली चलती है, हमें जलन सी महसूस होती है। अगर ये इन्फेक्शन बहुत लंबा चलता है, हल्की हल्की खुजली हम टॉलरेट कर रहे हैं, सहते जा रहे हैं, बहुत दिन तक सहते हैं, उसके बाद हमें वहाँ पे लालसा फील होता है, रेडिश हो जाती है वहाँ की स्किन, हो सकता है कि वहाँ से कुछ ग्रेइश, कुछ पीला सा हमें डिस्चार्ज फील हो और बहुत फिशी जैसी स्मेल हमें महसूस हो, तो ये सारे लक्षण हैं अनहेल्दी वजाइना के, कि आपका वजाइना का पीएच ठीक नहीं है, वहाँ आपको कुछ इन्फेक्शन है। और फ्रेंड्स, वजाइना में होने वाला इन्फेक्शन हमें माँ बनने में बहुत समस्या पैदा कर सकता है, इसीलिए आपको सबसे पहले अपने शरीर के इन्फेक्शन को दूर रखना है। अब हम दो बातें जानेंगे कि हमको जनरली वजाइनल इन्फेक्शन कब होते हैं। सबसे पहला, पीरियड्स के बाद बहुत सारी महिलाओं को जैसे ही पीरियड एंड होता है या पीरियड के दौरान ही स्टार्ट हो जाता है खुजली चलना, हल्का सा मीठी मीठी सी जलन के साथ में खुजली चलना। या फिर दूसरी कंडीशन ये है, संपर्क के बाद में हमको खुजली और जलन होता है। तो ये इसलिए होता है क्योंकि जो पीरियड का डिस्चार्ज होता है और जो सीमन होता है संपर्क से, जो संपर्क के समय जो सीमन इजैकुलेट होता है, दोनों का ही पीएच वजाइना के स्टैंडर्ड पीएच से डिफरेंट होता है, अलग होता है, और इनके वहाँ प्रेजेंस होने की वजह से वजाइना का पीएच डिस्टर्ब हो जाता है और ये बिगड़ा हुआ पीएच ही बैक्टीरिया के ग्रोथ को प्रमोट करता है और आपको तुरंत ही इन्फेक्शन हो जाता है। तब ऐसे कंडीशन में क्या करना चाहिए? फ्रेंड्स, ऐसे कंडीशन में आज आपको 2 चम्मच एप्पल साइडर विनेगर का मैं यूज़ बताऊंगी कि आप उससे तुरंत ही उसको ठीक कर सकते हैं। वजाइनल इन्फेक्शन PID UTI वगैरह से बचने के लिए मैंने आपको अजवाइन के वाटर से वॉश करना, अजवाइन की धुनी लेना भी बताया है, लेकिन अगर आपको समय नहीं मिल पा रहा, वो बहुत ही इफ़ेक्टिव तरीका है, लेकिन आपको समय नहीं मिल पा रहा है, तो आप तुरंत से पानी में विनेगर को ऐड करके वॉश कर सकती हैं। सपोज़ आपको पीरियड चल रहा है और इस दौरान आपको इचिंग है, बर्निंग सेंसेशन हो रहा है, तो आप एक ग्लास पानी लीजिए, जो नॉर्मल ग्लास हम किचन में यूज़ करते हैं, आप एक ग्लास पानी लीजिए या जो मग होता है उसमें 200-300 ml पानी ले लीजिए और उसमें 2 चम्मच एप्पल साइडर विनेगर का मिला दीजिए, क्योंकि विनेगर का जो पीएच होता है 2 से 3 के बीच होता है। हम डायरेक्टली विनेगर को नहीं यूज़ कर सकते हैं, तो हमको उसको पानी में मिला के उसको डायल्यूट करना है। उसके बाद उस वाटर से आप अपने निचले अंगों को धो दें। ध्यान रखें कि उसको आपको अंदर की तरफ डाल के नहीं धोना है, निचले अंगों को नॉर्मली पानी से धोना है। दूसरी कंडीशन, संपर्क के बाद अगर आपको बार बार इन्फेक्शन होता है और आप बहुत परेशान होती हैं, क्योंकि ये इन्फेक्शन हम जनरली सभी से शेयर नहीं कर पाते, ये समस्या हम जनरली सभी से शेयर नहीं कर पाते, ना ही हम डॉक्टर को विजिट करते हैं इन छोटी छोटी प्रॉब्लम्स के लिए, हम झेलते रहते हैं और ये इनफर्टिलिटी का कारण बन जाता है थोड़े समय बाद में। तो संपर्क के तुरंत बाद हमको नहीं यूज़ करना है, हमको 6 घंटे बाद में यूज़ करना है, या फिर रात को आप सो रहे हैं, आप नेक्स्ट मॉर्निंग जब आप उठते हैं तब आपको वॉश करना है संपर्क के बाद। तो आपको क्या करना है, आपको वही आधा मग 200-300 ml पानी लेना है, उसमें 2 चम्मच एप्पल साइडर विनेगर का ऐड करना है और उससे आपकी निचले अंगों को नॉर्मली वॉश करना है। ध्यान रखना है कि इंटेंशनली अंदर डाल के हमको पानी से वॉश नहीं करना है, वो खुद ही हो जाता है। तो फ्रेंड्स, एप्पल साइडर विनेगर से जो डाउचिंग हम करते हैं, इससे हम तुरंत ही वजाइना के पीएच को मेंटेन कर पाते हैं और
हम इन्फेक्शन से बच सकते हैं। लेकिन इसके साथ अगर आप हमेशा के लिए बचना चाहती हैं तो अपने खाने में दही का इस्तेमाल ज़रूर करें, क्योंकि दही में जो बैक्टीरिया होते हैं वो हमारी वजाइना की हेल्थ के लिए बहुत अच्छे होते हैं। साथ ही विटामिन सी के जो सोर्सेज हैं, जैसे कि ऑरेंज है, संतरा और नींबू पानी, इन तीनों में से कुछ ना कुछ हमको डेली यूज़ करना, दही तो हम डेली यूज़ कर ही सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आज हमने जाना कि वजाइनल डाउचिंग एप्पल सिडर विनेगर को यूज़ करके कैसे किया जा सकता है, और खाने में दही, ऑरेंज और नींबू पानी को शामिल करके किस तरह से हम हमेशा के लिए वजाइनल इन्फेक्शन से बच सकते हैं। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी है तो आप अपनी दूसरी सहेलियों से भी इसे ज़रूर शेयर करें, क्योंकि ये जानकारी हर महिला के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो इसी तरह बने रहिएगा यूट्यूब सहेली पे मेरे साथ में। हम जल्दी मिलेंगे एक नए विषय के साथ, एक उपयोगी विषय के साथ। आप अपना ख्याल रखें। टेक केयर। बाय बाय।